नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। सर्वांनी टाळ्या देऊन त्यांचं स्वागत करायचं आहे। भारत माता की, भारत माता की। अण्णाभाऊ साठे यांनाही पुष्पार्पण करणार आहेत। देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह साहेबांचं आगमन झालेलं आहे। माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह जी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। कहते हैं मैं राज्य मंत्री विद्या ठाकुर से विनती करता हूं कि पुष्प देकर उनका स्वागत करें। स्थानिक नगर सेविका श्रीकला पिल्ले से भी विनती है कि राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। मैं गजानन कीर्तिकर जी का भी स्वागत करने के लिए श्रीकला पिल्ले से विनती करता हूँ कि गजानन कीर्तिकर साहब का भी स्वागत करें। हमारे बीच में मेडिकल उपस्थित है, उनका स्वागत है। साधना ताई मामी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। भारत माता की वंदे। हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए और इस गोरेगांव की जनता को सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई और मित्र पक्ष को सम्मान देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आज जो आशीर्वाद मिला है हम लोगों को, मैं माननीय राजनाथ सिंह जी से विनंती करती हूँ कि हम सभी को और इस गोरेगांव की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधन करें, क्योंकि आज कोई भाषण का अवसर नहीं है, यहाँ पर प्रचार और रोड शो होने वाला है। इसलिए मैं राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और साथ में हमारे इस गोरेगांव क्षेत्र के खासदार आदरणीय गजानन कीर्तिकर जी, हमारी दोनों बहनें साधना ताई माने, हमारी दूसरी बहन श्रीकला पिल्ले, हमारे इस क्षेत्र के, हमारे जिला के जिला अध्यक्ष संतोष मेडेकर जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विनंती करती हूँ कि माननीय रक्षा मंत्री जी, राजनाथ जी हम सभी को संबोधन दे, आशीर्वाद दे और सम्मान दे इन्हीं शब्दों के साथ। के बहनों एवं भाइयों, अपनी आंखों के सामने जो मैं इतना बड़ा हुजूम देख रहा हूँ, मेरा विश्वास पक्का हो गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपना मन यह बना लिया है कि विद्या ठाकुर को भारी मतों से विजय दिलाकर हमें महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजना है। आप सभी जानते हैं कि 5 महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ है और लोकसभा के चुनाव में 300 से अधिक सीटों पर इस देश की जनता ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। इसके पहले 5 वर्षों तक जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार चलाई है, आपने देखा कि 5 वर्षों तक सरकार चलाने के परिणाम स्वरूप ही 2019 के चुनाव में इस देश की जनता ने पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। क्या क्या सरकारों ने काम किया है, मैं समझता हूं कि इस समय यह बतलाने का अवसर नहीं है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। और आपने हाउडी मोदी का भी ये कार्यक्रम देखा होगा, हमने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत को यदि किसी से बात करनी होगी तो घुटनों के बल खड़े होकर बात नहीं करेगा, बल्कि बराबरी के स्तर पर यह भारत करेगा। यह संदेश सारे विश्व को भारत ने दे दिया है। भारत, भारत अब दुनिया के कमजोर देशों में नहीं गिना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया के ताकतवर देशों में गिना जाता है। आपने देखा होगा कि इस अभी कुछ ही दिनों पहले, 5-6 दिनों पहले वहां से राफेल लेकर आया हूं बहनों भाइयों, और मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि राफेल के अंदर वह ताकत है जो कि सुपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी ध्वनि की गति से भी जिसकी तेज रफ्तार हुआ करती है, यानी
काश यह राफेल पहले ही यदि हमारे पास रहा होता तो मैं समझता हूं हमारे वायुसेना के जवानों को पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादियों के ठिकानों का सफाया करने की जरूरत न पड़ती, बल्कि भारत की धरती से ही हम राफेल के माध्यम से आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर सकते थे। यह कुवत हमारे राफेल के अंदर है और जिस सुपरसोनिक स्पीड से हमारा राफेल आगे बढ़ेगा बहनों भाइयों, मैं समझता हूं उसी सुपरसोनिक स्पीड से कांग्रेस इस समय नीचे जा रही है। लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो है देश में गिरता जा रहा है। आज के अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, कुछ ही समय बचा हुआ है, इसलिए पूरी ताकत लगाकर हमें घर घर तक जाना है। और हमारी सरकारों ने जो भी काम किया है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो अथवा फडणवीस जी के नेतृत्व में यहाँ पर महाराष्ट्र की हमारी सरकार हो, भाजपा शिवसेना की युति, भाजपा शिवसेना और आरपीआई की युति, जिस प्रकार की सरकार चली है, केवल उसकी प्रतिष्ठा महाराष्ट्र में ही नहीं बढ़ी है बल्कि मैं कह सकता हूं सारे हिंदुस्तान में बढ़ी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, कोई यह कह सकता है कि फडणवीस जी ने यह काम किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता? फडणवीस जी के किसी नीतियों पर लेकर कोई विवाद खड़ा कर सकता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस देश का हो फडणवीस जी के ऊपर उंगली उठाकर यह नहीं कह सकता है उनके दामन पर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। इस प्रकार का एक प्रभावी नेतृत्व देने का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। भारी मतों से विद्या ठाकुर को जिताकर आप महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजें और साथ ही महाराष्ट्र में दो तिहाई बहुमत से भाजपा शिवसेना और आरपीआई के युति की सरकार बनाएं, यही अपील करते हुए आप सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। मुंबई के गोरेगांव इलाके में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। पार्टी के प्रचार के लिए गोरेगांव इलाके के उपस्थित हार्दिक 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 स्वागत भारतीय जनता पार्टी।